हे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। और आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट लेवल का वीडियो होने वाला है। देखो, क्योंकि यहाँ पर नोकिया की तरफ से आने वाला स्मार्टफोन आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और यहाँ पर इसी को देखते हुए यहाँ पर नोकिया एक नया सीरीज का स्मार्टफोन आना है जो नोकिया 10 प्रो होगा, जो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है जिसके अंदर पावरफुल डिस्प्ले मिलेगा, पावरफुल कैमरा मिलेगा और साथ साथ यहाँ पर पावरफुल प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा विथ 5G कनेक्टिविटी। और सबसे खास होता है यहाँ पर इस फोन के अंदर आपको जो हाइलाइटर मिलता है ना, वो पेंटा कैमरा का सपोर्ट मिलता है जो इस फोन को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको इस फोन के अंदर जो डिस्प्ले मिलेगा, कैमरा मिलेगा ना, वो बहुत कमाल का। इसमें आपको 12 MP का पेरिस्कोप सेंसर मिलता है जो 20x तक जूम कर सकते हो इस फोन से। जो आपको जो पिक्चर क्लिक करो ना, तो आपको पिक्चर फटने वाला नहीं है, जैसा नॉर्मल दिखता है ना वैसा कुछ HD में देखने मिलेगा। और साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पर और भी सेंसर में, जैसे ऑप्टिकल जूम्स वाले मिलते हैं, प्लस में अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता है और यहाँ पर 5G कनेक्टिविटी के सपोर्ट देखने को मिल जाता है इस फोन के अंदर। क्योंकि यहाँ पर 5G कनेक्टिविटी आज के डिजिटल वर्ल्ड में ना होना तो मायने फोन का नहीं है, क्योंकि आजकल 4G लेने को नहीं राजी हैं और 5G लेने को तैयार है। तो यहाँ पर 5G इस फोन के अंदर देखने को पक्का मिलेगा। और प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर थोड़ा सा तो अच्छा होने वाला, क्योंकि इसके अंदर मीडियाटेक का हीलियो का कोई प्रोसेसर देखने जो 5G को सपोर्ट करता है, 1200 प्रोसेसर देखने को मिल जाए शायद, हो सकता है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या हो सकता है। और यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें, बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो यहाँ पर आपको एल्युमिनियम का फ्रेमिंग देखने को मिलेगा, ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश का फोन आने वाला है, पेंटा कैमरा का सपोर्ट मिलने वाला है, बिग बैटरी मिलने वाला है जो 5000 mAh का बैटरी मिलने वाला है। और साथ साथ यहाँ पर आपको जो कैमरा मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया कि आपको 108 MP का कैमरा मिलेगा, 12 MP पेरिस्कोप सेंसर देखने मिलेगा जो 20x तक जूम कर सकते हो, 32 MP सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और साथ साथ डिज़ाइन की बात करें तो बहुत सारे कलर्स में फ़ोन आने वाला है, जैसे कि देख सकते हो आपके डिस्प्ले में शो हो रहा है। और यहाँ पर 6.39 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल भी देखने को मिलेगा, जिससे आप अच्छा खासा व्यूइंग एंगल ले सकते हो, वीडियो देख सकते हो। और बैटरी की बात करते हैं, 5000 mAh का बैटरी मिलता है, 35W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा, जैसे इसमें आपको लेंस मिलता है जो और भी इस फोन को कमाल का बनाता है। तो आपका इसके बारे में क्या थॉट्स है, आप मुझे बता सकते हो। और साथ साथ यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर सुपर एमोलेड पैनल है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। और 6GB का रैम मिलने वाला, 128GB का स्टोरेज मिलने वाला इस फोन के अंदर। और देखो, यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी तो नंबर 1 है, प्लस डिस्प्ले नंबर 1 है, यहाँ पर सारा चीज़ आपको नंबर 1 देखने मिला। तो इसके बारे में आप क्या कहते हो, आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि कमेंट आपके लिए हमेशा खुला रहता है। सो आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आना है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैं आपके लिए थोड़ा कमाल की वीडियो लाता रहता हूँ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, वंदे मातरम।